हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सारे स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर के जितने भी स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन हैं वो हम सारे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टू पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज। स्टूडेंट्स कितने हैं? 10 हैं। स्टूडेंट्स हैं हमारे पास 10। नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। अब लेट कर लेते हैं, नंबर ऑफ बॉयज दैट इज x एंड नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज y। अब गर्ल्स जो है बॉयज से 4 ज्यादा है, 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 हो जाएगा। एंड टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे पास 10, मींस x प्लस y हमें कितना गिवन है? 10 गिवन है। ये हमारे पास दो इक्वेशंस बन गई। x को इधर ले आते हैं, y माइनस x इज इक्वल्स टू 4। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास y प्लस x इज इक्वल्स टू 10। दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देंगे एलिमिनेशन से, एक्स ये कैंसिल हो गया। 2y इज इक्वल्स टू 14, वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 7। वाई की वैल्यू जो 7 है हम यहां पे पुट कर देते हैं, हमारे पास एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स प्लस 7 इज इक्वल्स टू 10। एक्स इज इक्वल्स टू 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए? नंबर ऑफ बॉयज हो गए 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हमारे पास 7। ये हमारा आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का सेकंड पार्ट है, 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स, हम कॉस्ट मान लेते हैं पेंसिल की भी और पेन की भी। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल दैट इज रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ 1 पेन दैट इज रुपीज वाई। अब 5 पेंसिल्स के लिए 5x आ गया हमारे पास कॉस्ट, 7 पेन्स के लिए 7y कॉस्ट आ गई। जितने रुपीज हैं, एक पेंसिल की कॉस्ट x है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 5x हो जाएगी। एक पेन की कॉस्ट y है तो 7 की कितनी हो जाएगी? 7y हो जाएगी। और टोटल कॉस्ट है हमारे पास 50 एंड 7 पेंसिल्स की कॉस्ट हो गई 7x एंड 5 पेन्स की कॉस्ट हो गई 5y दैट इज रुपीज 46। नाउ अब इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे? देखो इसको क्या करो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको क्या करो 5 से मल्टीप्लाई कर दो। इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 7, इट इज टू बी मल्टीप्लाइड बाई 5। तो ये हमारे पास आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को हमने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हो गया, पहली इक्वेशन हो गई 35x प्लस 49y दैट इज इक्वल्स टू 350। और ये 35x प्लस 25y दैट इज इक्वल्स टू 230। माइनस कर देंगे हम इसको, माइनस माइनस माइनस, सब साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल हो गया। 24y इज इक्वल्स टू 120, वाई की वैल्यू आ गई 120 डिवाइड बाई 24 दैट इज 5। अब वाई की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर देंगे, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जैसे 5x प्लस 7y इज इक्वल्स टू 50 है, वाई की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, 7 इंटू 5 That is equals to 50. 5x plus 35 is equals to 50. 5x is equals to
50 minus 35 दैट इज 15। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 15 divided by 5 दैट इज 3। तो एक पेंसिल की कीमत कितनी हो गई हमारे पास, पेंसिल हमने माना हुआ है रुपीज x, तो कॉस्ट ऑफ पेंसिल हो गई, कॉस्ट ऑफ पेंसिल दैट इज रुपीज 3 एंड कॉस्ट ऑफ पेन दैट इज रुपीज 5। ये आपके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5th है एक्सरसाइज 3.2 का। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। अब हम क्या करते हैं, लेट लेंथ मान लेते हैं दैट इज एल, ब्रेड्थ मान लेते हैं दैट इज बी। हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर होता है 2 into L plus B। रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 into L plus B। नाउ हाफ द पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ कर दो, हाफ इंटू 2 into L plus B हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ इज 36 मीटर। ये हमें गिवन है 36 मीटर और लेंथ हमें गिवन है 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ इज इक्वल्स टू बी प्लस 4। लेंथ की ये वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर देंगे, बी प्लस 4 लेंथ की जगह पुट कर देंगे, बी प्लस 4 पुट कर देंगे। तो ये 2 से 2 कैंसिल, ये हमारे पास आ गया एल प्लस बी इज इक्वल टू 36। एल की जगह पुट किया, बी प्लस 4 प्लस बी इज इक्वल टू 36, 2b प्लस 4 इज इक्वल टू 36, 2b इज इक्वल टू 36 माइनस 4 32, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 16। l क्या हो जाएगा, b प्लस 4, 16 प्लस 4 दैट इज 20। तो लेंथ हो गई हमारे पास 20 मीटर और ब्रेथ हो गई हमारे पास 16 मीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ये एक्सरसाइज 3.3 का थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। एक नंबर x मान लेते हैं, एक नंबर y मान लेते हैं, दोनों का डिफरेंस क्या है, 26 है। वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। x जो है ये बड़ा मान लिया हमने, y छोटा मान लिया, क्योंकि ये आंसर हमारा पॉजिटिव में आ रहा है तो x बड़ा ही होगा हमारे पास। तो x जो है 3 टाइम्स द अदर, तो x इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 3y है। तो ये हो गया 3y माइनस y इज इक्वल्स टू 26, 2y इज इक्वल्स टू 26, y हो गया 26 बाय 2 दैट इज 13। x की वैल्यू आ गई 3 into y, 3 into 13, x हो गया हमारे पास 39। तो एक नंबर हमारा 39 है, दूसरा नंबर हमारा 13 है। y is 13, x is 39। नेक्स्ट पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, एक्सरसाइज 3.3। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18। पहले तो सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स whose sum is 180 degree। तो एक एंगल हम x मान लेते हैं, एक एंगल हम y मान लेते हैं, दोनों का सम कितना है, 180 degree है। लार्जर ऑफ
टू सप्लीमेंट्री एंगल, हम ये मान लेते हैं लार्जर एक्स एक्स इज ग्रेटर देन वाई मान लिया, एक्सीड द स्मॉलर बाई 18, तो एक्स किसके इक्वल है, स्मॉलर से 18 ज्यादा है, वाई प्लस 18 हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो वाई प्लस 18 है हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो ये आ गया हमारे पास वाई प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180, 2y प्लस 18 इज इक्वल्स टू 180, 2y इज इक्वल्स टू 180 माइनस 18, ये हो गया 162, 2y इज इक्वल्स टू 162, y आ गया 162 बाय 2, दैट इज कैंसिल हो गया 81, y हमारे पास आ गया 81, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 18, 81 प्लस 18 दैट इज 99 डिग्री, तो एक एंगल 99 डिग्री का हो जाएगा, दूसरा एंगल 81 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3.3 के थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर रुपीज 3800, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट कॉस्ट ऑफ वन बैट रुपीज एक्स, कॉस्ट ऑफ वन बॉल रुपीज वाई, तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 7x, 6 बॉल्स की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 6y, दैट इज 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स, 3 बैट्स की कॉस्ट हो गई 3x, 5 बॉल्स की कॉस्ट हो गई 5y, दैट इज फॉर 1750, फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। नाउ अब क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया 21x प्लस 18y दैट इज इक्वल्स टू 11400, ये भी हो गया 21x प्लस 35y दैट इज इक्वल्स टू 5450। नाउ माइनस कर देते हैं इनको, ये हमारे पास आ गया, ये सॉरी 1150 नहीं आएगा, यहां पे 12250 आएगा, पहले 4 से मल्टीप्लाई हो गया गलती से, नाउ माइनस कर देंगे, माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, माइनस 17y इज इक्वल्स टू ये हो गया माइनस 850, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 850 डिवाइड बाय 17 दैट इज 50, तो कॉस्ट ऑफ बॉल हमारे पास आ गई 50, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, 7x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, कॉस्ट ऑफ बॉल हमारे पास है 50, 6 इंटू 50 इज इक्वल्स टू 3800, 7x प्लस 300 इज इक्वल्स टू 3800, 7x इज इक्वल्स टू 3800 माइनस 300 दैट इज 3500, x की वैल्यू आ गई 3500 डिवाइड बाई 7 दैट इज रुपीज 500, तो ये वैल्यू आ जाएगी रुपीज 500, कॉस्ट ऑफ बैट दैट इज रुपीज 500, कॉस्ट ऑफ बॉल दैट इज रुपीज 50, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट हो गया।
थर्ड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। फिक्स चार्ज का मतलब होता है कि चार्जेस फिक्स हैं, टैक्सी के अंदर आप बैठ गए तो आपको इतने पैसे लगेंगे ही लगेंगे, रूपीज एक्स हमने मान लिए फिक्स चार्ज है। टुगेदर विद द चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड, जितना डिस्टेंस कवर होता है उसके चार्जेस बाद में उसमें ऐड होंगे। तो फिक्स चार्जेस हमने मान लिए रूपीज एक्स, और लेट चार्जेस पर किलोमीटर ये हमने मान लिए रूपीज वाई, कि एक किलोमीटर के जो चार्जेस होंगे रूपीज वाई होंगे। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रूपीज 105। अब 10 किलोमीटर के चार्जेस हैं, मींस एक्स तो उसको चार्जेस लगेंगे ही लगेंगे, 10 किलोमीटर चला 10y दैट इज इक्वल्स टू 105। अब देखो y किलोमीटर, y पर किलोमीटर, एक किलोमीटर के y चार्जेस हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने हो जाएंगे, 10 किलोमीटर के चार्जेस हो जाएंगे 10 मल्टीप्लाइड बाई वाई, तो ये 10y हो जाएंगे। सेकेंड इक्वेशन, एंड फॉर ए जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर की जर्नी के लिए चार्जेस आर 155। माइनस कर देते हैं इसको, माइनस 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 ये कैंसल हो गया, माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 50, माइनस माइनस कैंसल, y इज इक्वल्स टू 50/5 दैट इज 10। y की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दो, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, x प्लस 10 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 105, x प्लस 100 इज इक्वल्स टू 105, x की वैल्यू आ गई 105 माइनस 100 दैट इज 5। तो फिक्स चार्जेस हमारे पास रुपीज 5 हो गए, और वेरिएबल चार्जेस पर किलोमीटर हमारे पास कितने हो गए, रुपीज 10 हो गए। हमने निकालने हैं 25 किलोमीटर के चार्जेस, हाउ मच डज ए पर्सन पे टू फॉर ट्रेवलिंग 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y, x की वैल्यू क्या है 5, ये तो देने ही देने हैं, y की वैल्यू क्या है 10, ये हो गया 5 प्लस 250 दैट इज रुपीज 255, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, इसका फिफ्थ पार्ट है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है, न्यूमरेटर डिवाइड बाई डिनोमिनेटर, ये एक्स अपॉन वाई मान लेते हैं हम, इट बिकम्स 9/11, ये 9/11 हो जाती है इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर में भी 2 ऐड कर दें, डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड कर दें, इट बिकम्स 9/11, ये 9/11 हो जाती है। नेक्स्ट कहता है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, अगर 3 ऐड करते हैं दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर, 3 ऐड कर दिया हमने, देन इट बिकम्स 5/6, ये 5/6 बन जाती है। फाइंड द फ्रैक्शन, हमने फ्रैक्शन निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हमारे पास हो जाएगा 11x प्लस 22 इज इक्वल्स टू 9y प्लस 18, इक्वेशन बन गई 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू 18 माइनस 22, माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया 6x प्लस 18 इज इक्वल्स टू 5y प्लस 15, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y इज इक्वल्स टू माइनस 3। नाउ वी हैव टू इक्वेशंस, 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस 4, एक ये इक्वेशन हो गई और एक
ये इक्वेशन हो गई 6x-5y = -3। इनको सॉल्व कर लेते हैं, यहां लिखते हैं 6x-5y = -3। अब क्या करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ गया 66x-54y = -24। ये हो गया 66x-55y = -33। इसको माइनस कर देते हैं, माइनस प्लस प्लस ये कैंसल, 1y = 9। वाई की वैल्यू 9 आ गई, वाई की वैल्यू कहीं पुट कर देते हैं, 11x-9y = -4। 11x-9 × 9 = -4। 11x-81 = -4। 11x = -4 + 81, दैट इज 77। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 77/11, दैट इज इक्वल्स टू 7। तो फ्रैक्शन क्या हो गई, फ्रैक्शन हो गई x अपॉन y, दैट इज 7/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा, इट इज द फ्रैक्शन। 5 years hence, age of Jacob will be 3 times that of his son. हमेशा एज के क्वेश्चन में प्रेजेंट एज माननी है आपको, कभी भी पास्ट या फ्यूचर एज नहीं माननी, ये ध्यान रखना है सब बच्चों को। तो लेट एज ऑफ जैकब, जैकब की एज मान लेते हैं एक्स ईयर्स, प्रेजेंट एज आपने हमेशा क्या माननी है, प्रेजेंट एज माननी है। लेट प्रेजेंट एज ऑफ जैकब सन, दैट इज वाई ईयर्स, 5 years hence, 5 साल बाद, 5 years hence क्या होगा, एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी हमारे पास, x+5, एंड एज ऑफ जैकब सन क्या हो जाएगी हमारे पास, y+5 हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बन गई, 3 times है जैकब की एज अपने सन की एज का, तो इक्वेशन बन गई x+5 = 3 × y+5। x+5 हो गया हमारे पास 3y+15, मल्टीप्लाई कर दिया हमने अंदर, तो x-3y = 10। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। इसके बाद नेक्स्ट वो ही कहता है 5 years ago। अब 5 years ago देख लो क्या होता है, 5 years ago एज ऑफ जैकब क्या हो जाएगी, एज ऑफ जैकब हो जाएगी x-5, और एज ऑफ जैकब सन क्या हो जाएगी, y-5। 5 years ago वो क्या कहता है, जैकब्स एज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन, तो x-5 दैट इज इक्वल्स टू 7 × y-5। तो ये हमारे पास हो गया x-5 = 7y-35, x-7y = -30। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। नाउ दोनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, पहली इक्वेशन इसके नीचे लिख देते हैं x-3y = 10, माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस, एक्स एक्स कैंसल, -4y = -40, माइनस माइनस कैंसल, 40/4 दैट इज 10। ये 10 जो वैल्यू है ये कहीं पुट कर दो, x-3y = 10 में, x-3 × 10 दैट इज इक्वल्स टू 10, x-30 = 10, x = क्या आ गया, 30+10 दैट इज 40 years, 10 years। तो एज ऑफ जैकब क्या हो गई,
एज ऑफ जैकब हो गई हमारे पास 40 इयर्स एंड एज ऑफ जैकब सन हो गई हमारे पास 10 इयर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारे 3.2 एंड 3.3 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3.4 एंड 3.5 के सारे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।